Hello everyone. So today we will discuss about the topic that is ovarian cyst. Okay. So let's start with the topic. First of all comes introduction. As we all know, the ovaries are two small glands located on either side of a woman's uterus. ठीक है, हमने anatomy में भी पढ़ा है और जब gynecology और obstetrics पढ़ी थी starting में initially हमने तो uterus का हमने structure study किया है, right? Anatomy and physiology of uterus. So you should very well know कि जो ovaries हैं, ठीक है, वो uterus के sides में located होती हैं, ठीक है? Then they produce hormones that are necessary for a woman's body functions and they contain the eggs that are released at the ovulation. ठीक है, so जो ovaries होती हैं उनके अंदर eggs available होते हैं, ठीक है, जो कि ovulation के time पे release होता है, ठीक है? So an ovarian cyst is a sac or pocket filled with fluid or other tissue that forms on the ovary. So ovarian cyst जो होती है वो एक तरह का आप बोल सकते हैं pouch होता है या एक तरह की pocket होती है which is filled with the fluid or it can be filled with the tissues, ठीक है, which helps in the formation of the ovary, ठीक है. So next comes, it is normal for a small cyst to develop on the ovaries, ठीक है. Normally जो है छोटी छोटी cyst जो हैं वो मतलब प्रेजेंट होती हैं ओवरीज के ऊपर. सो इन मोस्ट द केसेस सिस्ट आर हार्मलेस एंड गो अवे विद टाइम ऑन देयर ओन. और ज़्यादातर जो होता है जो ये सिस्ट होती हैं दे आर हार्मलेस, ठीक है, एंड एज द टाइम पासिस तो अपने आप से ये ठीक भी हो जाती है. लेकिन कुछ केसेस में क्या है, इट नीड्स ट्रीटमेंट एंड एज इट कॉजेज प्रॉब्लम्स, ठीक है. देन नेक्स्ट कम्स क्लासिफिकेशन, ठीक है. क्लासिफिकेशन में इसकी आपकी आ जाती हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप की ओवेरियन सिस्ट जो है वो प्रेजेंट होती है, ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द फर्स्ट सिस्ट दैट इज फंक्शनल सिस्ट, ठीक है. वैसे आपको बता दूं मैं अभी एक बार कि जो ज़्यादातर सिस्ट होती हैं दे आर नॉन कैंसरस, ठीक है, और बहुत कम ऐसी सिस्ट होती हैं विच कैन बी मैलिग्नेंट, ठीक है, विच कैन कन्वर्ट इनटू अ मैलिग्नेंट वन, राइट. कैंसरस हो सकती है जो, बट ज़्यादातर ये बेनाइन होती है. बेनाइन का मतलब क्या है, विच इज नॉन कैंसरस, राइट. सो फॉर दिस रीजन ऑल सिस्ट शुड बी चेक बाय हेल्थ केयर प्रोवाइडर, ठीक है. तो किसी भी तरह की सिस्ट अगर किसी वुमन में प्रेजेंट है तो उसे फॉलोअप के लिए ज़रूर जाना चाहिए बिकॉज ताकि इसे फाइंड आउट कर सके वेदर इट इज़ अ बेनाइन टाइप और अ मैलिग्नेंट टाइप. सो फर्स्ट ऑफ ऑल कम्स दी फंक्शनल सिस्ट, राइट. सो फंक्शनल सिस्ट का मतलब है, इसके नाम से ही पता चल रहा है हमें, कि विच अकर्स, ठीक है, ऑन द सर्फेस ऑफ द ओवरीज ड्यूरिंग और आफ्टर दी ओवुलेशन, क्योंकि ओवरी का मेन काम क्या होता है, ओवुलेशन का, राइट. सो दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ सिस्ट इज रिलेटेड विद द फंक्शन ऑफ द ओवरी दैट इट हैपेंस ड्यूरिंग और आफ्टर दी ओवुलेशन, ठीक है. इसमें आपकी मेन जो आती हैं दो, जो मेन दो आती हैं दैट इज फॉलिकुलर सिस्ट एंड कॉर्पस ल्यूटियम सिस्ट, ठीक है. फॉलिकल हमें पता है कि ओवरीज के अंदर फॉलिकल्स आर प्रेजेंट, जैसे जैसे वो मेच्योर होते हैं तो फॉलिकल में से एग रिलीज होता है, ठीक है, और एग रिलीज होने के बाद वो जो फॉलिकल है वो डिजनरेट हो जाता है, ठीक है. लेकिन अगर वो डिजनरेट ना हो, इट कंटिन्यू टू ग्रो, तो वो सिस्ट का फॉर्म ले सकता है. देन नेक्स्ट कम्स कॉर्पस ल्यूटियम सिस्ट. कॉर्पस ल्यूटियम जो होता है, जैसे फॉलिकल मेच्योर हुआ उसमें से एग रिलीज हुआ तो फॉलिकल जो होता है वो डिजनरेट हो जाता है, जैसे कि अभी आपको फर्स्ट पॉइंट में मैंने बताया. लेकिन इस केस में क्या होगा, और जैसे ही कॉर्पस ल्यूटियम बनता है, जैसे ही फॉलिकल जो है वो डिजनरेट होना शुरू होता है तो उसमें से क्या बनता है, उसको हम क्या बोलते हैं फिर, अब कॉर्पस ल्यूटियम बुलाते हैं उसको, ठीक है. तो ये जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है इसके अंदर सिस्ट फॉर्म हो जाती है, मतलब जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है उसके अंदर जो होता है वो फ्लूइड फिल हो जाएगा या टिश्यूज फिल हो जाते हैं, राइट. सो दैट इज कॉर्पस ल्यूटियम सिस्ट. देन नेक्स्ट कम्स डर्मोइड सिस्ट. जो डर्मोइड सिस्ट है इट कैन बी प्रेजेंट फ्रॉम द टाइम ऑफ बर्थ बट ग्रोज ड्यूरिंग अ वुमेन्स रिप्रोडक्टिव ईयर, ठीक है. बर्थ के टाइम से प्रेजेंट हो सकती है ये, बट जैसे जैसे एज होती रहती है रिप्रोडक्टिव ईयर्स में, वैसे वैसे ये जो है साइज में इंक्रीज होती रहेगी डर्मोइड सिस्ट, ठीक है. एंड दीज सिस्ट आर फाउंड ऑन वन और बोथ दी ओवरीज, मतलब ये जो कंडीशन है डर्मोइड सिस्ट जो है ये एक ओवरी को भी अफेक्ट कर सकती है या फिर दोनों ओवरीज को अफेक्ट कर सकती है, राइट. देन नेक्स्ट कम्स डर्मोइड सिस्ट फॉर्म फ्रॉम अ टाइप ऑफ सेल कैपेबल ऑफ डेवलपिंग इन टू डिफरेंट काइंड ऑफ टिश्यू, ठीक है. डर्मोइड सिस्ट किस तरह के सेल से बनती है, उन सेल से जो कि डिफरेंट काइंड ऑफ टिश्यू से जो है वो डेवलप होते हैं, ठीक है. तो उससे क्या बनती है हमारी डर्मोइड सिस्ट.
एंड इट इज़ प्रेजेंट फ्रॉम द टाइम ऑफ बर्थ, बट इवेंचुअली एज द वुमेन इज टूवर्ड्स लाइक ग्रोइंग एज, तो जो सिस्ट है वो भी बढ़ती रहती है, राइट. देन नेक्स्ट कम्स सिस्ट एडिनोमास. जो सिस्ट एडिनोमास होती हैं, बेसिकली ये जो सिस्ट होती हैं, दे आर डेवलप फ्रॉम द सेल्स ऑन द आउटर सर्फेस ऑफ द ओवरी. ओवरी के जो आउटर सर्फेस पे सेल्स प्रेजेंट होती हैं, उससे बनती है ये सिस्ट एडिनोमा सिस्ट. सो समटाइम्स दे आर फिल्ड विद अ लिक्विड और अ थिक जेल. ठीक है, कई बार ये लिक्विड से फिल होती हैं, कई बार इसके अंदर लिक्विड जेल जो है वो प्रेजेंट होता है. दे यूजली आर बेनाइन बट दे कैन ग्रो वेरी लार्ज एंड कॉज पेन. ठीक है, बेनाइन होती है. बेनाइन का मतलब क्या है, ये नॉन कैंसरस होगी बट दे कैन ग्रो इंटू अ वेरी लार्ज साइज एंड दैट विल लीड टू पेन. सो पेशेंट विल एक्सपीरियंस पेन इन केस ऑफ एडिनोमास ऑल्सो. देन दीज आर डिफरेंट टाइप्स. आगे इसकी भी टाइप्स आ जाती है. म्यूकिनस सिस्ट एडिनोमा आता है, सिस्ट सिरस सिस्ट एडिनोमा आता है. ठीक है, मतलब जो सिस्ट है उसके अंदर किस तरह का फ्लूइड जो है वो प्रेजेंट है, उसके ऊपर आपकी ये डिफरेंट टाइप्स आ जाती है, म्यूकिनस सिस्ट एडिनोमा एंड सिरस सिस्ट एडिनोमा. देन लास्ट आपकी क्लासिफिकेशन में आता है एंडोमेट्रियोमा. ठीक है, लास्ट आपकी जो टाइप है दैट इज एंडोमेट्रियोमा ओवेरियन सिस्ट की. सो एंडोमेट्रियोमा जो है ये वो ओवेरियन सिस्ट होती है विच फॉर्म्स एज अ रिजल्ट ऑफ एंडोमेट्रियोसिस. ठीक है, एंडोमेट्रियोसिस वी ऑल नो कि जो एंडोमेट्रियम होता है उसके अंदर इन्फ्लामेशन हो जाती है. सो इट इज़ अ कंडीशन इन विच टिश्यू सिमिलर टू दैट इज नॉर्मली फाउंड इन द यूट्रस इज फाउंड आउटसाइड ऑफ द यूट्रस, यूजली इन द ओवरीज, फेलोपियन ट्यूब्स एक्सेट्रा. ठीक है, सो दैट इज एंडोमेट्रियोसिस. सो दिस टिश्यू रिस्पॉन्ड्स टू मंथली चेंजेस इन हॉर्मोन. हमें सबको पता है कि जो मंथली मेंसुरेशन होते हैं उसमें कौन सी लेयर शेड ऑफ होती है, एंडोमेट्रियल लेयर शेड ऑफ होती है. ठीक है, सो इवेंचुअली अ सिस्ट मे फॉर्म एज द एंडोमेट्रियल टिश्यू कंटिन्यूज टू ब्लीड विद ईच मेंसुरल साइकिल. तो हो सकता है कि मेंस्ट्रुअल पीरियड के साथ साथ, ठीक है, ये जो एंडोमेट्रियल टिश्यू जो शेड ऑफ होते हैं, ठीक है, उसके साथ साथ वहाँ पे सिस्ट जो है वो फॉर्म होती रहे. देन दीज सिस्ट आर समटाइम्स कॉल्ड चॉकलेट सिस्ट. इनको चॉकलेट सिस्ट भी बोला जाता है. क्यों? क्योंकि ये जो सिस्ट होती हैं दे आर फिल्ड विद डार्क रेडिश ब्राउन कलर एज यू कैन सी इन द पिक्चर ऑन द राइट हैंड साइड. दिस इज द पिक्चर फॉर एंडोमेट्रियोमा, राइट. And it results as a condition of endometriosis. ठीक है, endometriosis में जो क्या होता है, जो tissues होती हैं endometrium में present होती हैं, but इस condition में क्या होगा, जो tissues होंगे जो कि सिर्फ uterus के inside में present होने चाहिए, वो uterus के outside में भी present होती हैं, जैसे कि ovaries में, fallopian tube में, that is endometriosis. ठीक है, और इसमें जो inflammation भी हो जाती है endometrium की, abnormal inflammation हो जाती है, right. Then next comes the risk factor. Risk factors for ovarian cyst. सबसे पहला आता है infertility treatment. So if the patient or woman being treated for infertility by ovulation induction with gonadotropins. ठीक है, ovulation की जो infertility की जो treatment होती है उसमें main आपने drug का नाम सुना होगा, that is clomiphene citrate. ठीक है, तो gonadotropin drugs जो कि ovulation induce करने के लिए use की जाती है, so अगर patient उसको long time से ले रहा है तो that particular drugs can lead to ovarian cyst, right. Then pregnancy. So in pregnant woman, ovarian cyst may form in the second trimester when HCG level peaks. ठीक है, HCG stands for human chorionic gonadotropin. ठीक है, human chorionic gonadotropin hormone जो है pregnancy में increase होता है और सबसे ज़्यादा उसका जो पीक लेवल होता है दैट इज़ इन सेकेंड ट्रिमेस्टर. ठीक है, तो सेकेंड ट्रिमेस्टर के अंदर देर आर वेरी मच चांसेस कि ओवेरियन सिस्ट जो है वो प्रेग्नेंट वुमन में फॉर्म होने के चांसेस हो जाते हैं. देन नेक्स्ट कम्स हाइपोथायरॉयडिज्म. ठीक है, सो हाइपोथायरॉयडिज्म, अगर इफ़ द वुमेन इज लाइक सफरिंग फ्रॉम हाइपोथायरॉयडिज्म, ठीक है, एंड इट मे देन स्टिमुलेट द ग्रोथ ऑफ द ओवरीज एंड द ग्रोथ ऑफ द सिस्ट इन द ओवरीज. ठीक है, इफ द वुमेन इज सफरिंग फ्रॉम हाइपोथायरॉयडिज्म. देन नेक्स्ट कम्स मेटरनल गोनाडोट्रोपिन्स. ठीक है, सो द ट्रांसप्लेसेंटल इफेक्ट्स ऑफ मेटरनल गोनाडोट्रोपिन्स मे लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ द नियोनेटल एंड फीटल ओवेरियन सिस्ट. कई बार नियोनेट के अंदर है ना, या जैसे हमने पढ़ा कि बर्थ के टाइम पे भी प्रेजेंट हो सकती है सिस्ट. ठीक है, तो वो किस वजह से होती है, क्योंकि ट्रांसप्लेसेंटल इफेक्ट्स होते हैं मेटरनल गोनाडोट्रोपिन के. ठीक है, मतलब प्लेसेंटा के थ्रू जो है, जो मदर का गोनाडोट्रोपिन होगा वो फीटस के अंदर या नियोनेट के अंदर ट्रांसफ़र हो चुका होगा, जिसकी वजह से इट कैन लीड टू दिस पर्टिकुलर कंडीशन. ठीक है, गोनाडोट्रोपिन्स.
देन नेक्स्ट कम्स सिगरेट स्मोकिंग. सो रिस्क ऑफ फंक्शनल ओवेरियन सिस्ट इज इंक्रीज विद सिगरेट स्मोकिंग. देन रिस्क फ्रॉम स्मोकिंग इज पॉसिबली इंक्रीज फर्दर विद अ डिक्रीज बॉडी मास इंडेक्स. सो जो सिगरेट स्मोकिंग है देखा गया है कि दैट इज अ रिस्क फैक्टर फॉर ओवेरियन सिस्ट. देन कम्स ट्यूबल लाइगेशन. ट्यूबल लाइगेशन हम किस केस में करते हैं? इन केस ऑफ स्टेरिलाइजेशन ऑपरेशन जो हम करवाते हैं ट्यूबेक्टमी. ठीक है, ट्यूबेक्टमी में तो रिमूव कर देंगे. देन ट्यूबल लाइगेशन भी होती है, दैट इज ऑल्सो अ सर्जिकल प्रोसीजर. सो इट हैज़ बीन सीन जो फंक्शनल सिस्ट होती हैं दे हैव बीन एसोसिएटेड विद ट्यूबल लाइगेशन स्टेरिलाइजेशन. राइट, सो चांसेस आर मोर विद ट्यूबल लाइगेशन. नेक्स्ट कम्स एपिजीमियोलॉजी. ठीक है, सो ओवेरियन सिस्ट आर फाउंड ऑन ट्रांसवजाइनल सोनोग्राम्स इन नियरली ऑल प्री मेनोपॉजल वुमेन एंड इन अप टू 18% ऑफ पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन. ठीक है, सो ओवेरियन सिस्ट का पता लगा सकते हो आप TVS के थ्रू, दैट इज ट्रांसवजाइनल सोनोग्राफ. देन नेक्स्ट कम मोस्ट ऑफ दीज सिस्ट आर फंक्शनल इन नेचर एंड बेनाइन. ठीक है, ये फंक्शनल होती है नेचर में एंड दे आर बेनाइन. देन मेच्योर सिस्टिक टेरेटोमास और डर्मोइड्स रिप्रेजेंट मोर देन 10% ऑफ ऑल द ओवेरियन न्योप्लाज्म. तो जो कॉमन है, मतलब 10% जो न्योप्लाज्म होंगे, ठीक है, वो कौन कौन सी तरह के होंगे? मेच्योर सिस्टिक टेरेटोमास होंगे या फिर डर्मोइड सिस्ट होंगी वो. राइट, बट दे आर मेनली फंक्शनल इन नेचर एंड बेनाइन. बेनाइन का मतलब क्या है? विच आर नॉन कैंसरस. देन नेक्स्ट कम्स एपिजियोमियोलॉजी में ओवेरियन सिस्ट आर द मोस्ट कॉमन फीटल एंड इन्फेंट ट्यूमर विद अ प्रिवेलेंस एक्सीडिंग 30%. जो ओवेरियन सिस्ट होती हैं दैट आर लाइक द मोस्ट कॉमन काइंड ऑफ फीटल एंड इन्फेंट ट्यूमर. ठीक है, देन फंक्शनल ओवेरियन सिस्ट कैन अकर एट एनी टाइम इंक्लूडिंग इन यूट्रो बट आर मच मोर कॉमन इन वुमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज. फंक्शनल ओवेरियन सिस्ट में अभी हमने डिस्कस किया था पीछे, कॉर्पस ल्यूटियम होती है इसके अंदर, है ना, और फॉलिकुलर सिस्ट होती है. तो ये जो सिस्ट होती हैं दे आर मोस्ट कॉमनली अकरिंग इन द रिप्रोडक्टिव एज ऑफ द वुमेन. राइट, सो दे आर रेयर आफ्टर मीनोपॉज. मीनोपॉज के बाद इसके चांसेस होने के कम हो जाते हैं क्योंकि फंक्शनल है ना. फंक्शन क्या होता है ओवरी का? ओवुलेशन. तो ओवुलेशन जो है मीनोपॉजल वुमेन में होती नहीं है, तो उसके में चांसेस भी जो है वो कम हो जाते हैं इस तरह की सिस्ट होने के. देन ल्यूटियल सिस्ट अक्कर आफ्टर ओवुलेशन इन रिप्रोडक्टिव एज वुमेन. और जो हमने कॉर्पस ल्यूटियम सिस्ट पढ़ी है दैट बेसिकली अक्कर्स मोस्ट प्रोबेबली आफ्टर द ओवुलेशन. ठीक है, ओवुलेशन होने के बाद डेवलप होती है ये. देन नेक्स्ट कम, सो दिस इज अ पिक्चर शोइंग अ ओवेरियन सिस्ट. ठीक है, विच हैज बीन रिमूव्ड सर्जिकली. सो यू कैन सी हाउ लार्ज इट इज इन द साइज. Then next come symptoms. So benign cyst can cause pain and discomfort related to pressure on adjacent structures. अभी हमने पढ़ा जो cyst होती हैं वो अगर size में large हो जाएंगी तो वो अपने आसपास के organs को एक तरह से congested feel करेंगे जो आसपास के organs होंगे, जिसकी वजह से क्या होगा? There will be like discomfort or pain. Then morbidity also includes menorrhagia. So जो patient होगा she will experience heavy periods and एन इंक्रीज इंटरमेंचुरल इंटरवल. ठीक है, सो इंटरमेंचुरल ब्लीडिंग भी उसको एक्सपीरियंस करेगी वो वुमेन. देन अलॉन्ग विद डिसमिनोरिया. डिसमिनोरिया इज पेनफुल मेंसेस. ठीक है, देन पेल्विक डिस्कम्फर्ट विल बी देयर ड्यू टू कंजेशन ऑफ द एडजेसेंट ऑर्गन्स. देन एबडामिनल डिस्टेंशन होगा इसी वजह से. एंड बिनाइन सिस्ट रेयरली कॉज डेथ. जो बिनाइन सिस्ट है दे डज नॉट कॉज डेथ मोस्टली. ठीक है, देन ओवेरियन सिस्ट. जो ओवेरियन सिस्ट है एंड मोर स्पेसिफिकली कॉर्पस ल्यूटियल सिस्ट. ठीक है, ओवेरियन सिस्ट हम पढ़ रहे हैं उसके अंदर भी जो स्पेसिफिकली कौन सी वाली? कॉर्पस ल्यूटियल सिस्ट. दे हैव द टेंडेंसी टू रप्चर. ठीक है, उनके रप्चर होने के चांसेस होते हैं जिसकी वजह से पेशेंट विल एक्सपीरियंस हीमोपेरिटोनियम एंड हाइपोटेंशन अलॉन्ग विद पेरिटोनाइटिस. तो ये सिम्टम्स जो है वो पेशेंट एक्सपीरियंस करेगा इफ द पेशेंट इज हैविंग कॉर्पस ल्यूटियल ओवेरियन सिस्ट. Then this can be exacerbated in women with bleeding dyscharesis such as those with von Willebrand disease and those receiving anticoagulation therapy. ठीक है, ये दोनों diseases हमने पहले डिटेल में पढ़े हैं. von Willebrand disease. von Willebrand disease में क्या होता है? Clotting factor जो होता है वो deficiency होती है उसमें. ठीक है, so ये जो particular condition है corpus luteal cyst जो rupture हो जाती है, ठीक है, तो उन वुमेन के अंदर कॉन्सिक्वेंसेस ज़्यादा होंगे जिनको साथ में कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स भी हैं, जैसे कि कोई पेशेंट जो है एंटीकोगुलेशन थेरेपी पे चल रहा है या किसी पेशेंट को कंजेनिटल ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हैं जैसे कि वॉन विलीब्रांड डिसीज. देन ओवेरियन टॉर्जन कैन कॉम्प्लिकेट ओवेरियन सिस्ट एंड कैन रिजल्ट इन ओवेरियन
इन्फेक्शन, नेक्रोसिस, इनफर्टिलिटी, प्री मेच्योर ओवेरियन मीनोपॉज एंड प्री टर्म लेबर. क्योंकि अब ओवरी के अंदर सिस्ट प्रेजेंट है, तो सिस्ट क्या होगी, जो स्ट्रक्चर होगा, नॉर्मल शेप होगी ओवरी की, उसको भी डिस्टॉर्ट करेगी, ठीक है, जिसकी वजह से ओवेरियन इन्फेक्शन हो सकता है, टिश्यूज़ को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगा, तो इट विल लीड टू नेक्रोसिस. देन अल्टीमेटली अगर ओवरीज अफेक्ट हो रही हैं, तो इट विल लीड टू इनफर्टिलिटी एंड प्री मेच्योर ओवेरियन मीनोपॉज, ठीक है, क्योंकि अब मेंसेस को प्रॉपर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि ओवरीज जो है वो अपना स्ट्रक्चर और फिजियोलॉजी में अब फेल होती जा रही है, ठीक है, तो जिस वजह से उसको लेडी को पहले ही मीनोपॉज अराइज हो जाएगा, ठीक है. देन नेक्स्ट कम सिम्टम्स कंटिन्यू हैं इसके मैलिग्नेंट के लिए, ठीक है, ये कौन सी थी अभी हमने जिसके डिस्कस के सिम्टम बिनाइन के, जो कि होती है नॉन कैंसरस. देन अगर मैलिग्नेंट ओवेरियन सिस्टिक ट्यूमर्स हैं, दे कैन कॉज सीवियर मॉर्बिडिटी लाइक पेन, एब्डोमिनल डिस्टेंशन इट कैन लीड टू, देन इट कैन कॉज बोवल ऑब्स्ट्रक्शन, नोजिया, वॉमिटिंग, देन अर्ली स्टेटेटी विल बी देयर, वेस्टिंग किसे बोल रहे हैं हम, मसल वेस्टिंग को, जिसे हम क्या बोलते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ कैकेक्सिया, ठीक है, वेस्टिंग इज मसल वेस्टिंग और वीकनेस, सो दैट इज दैट टर्म गोज फॉर कैकेक्सिया, ठीक है. देन इट विल लीड टू इंडाइजेशन, हार्ट बर्न, एबनॉर्मल यूट्रेन ब्लीडिंग, देन डीप वीनस थ्रोम्बोसिस एंड डिस्निया. तो ये सारी कंडीशन जो हैं, इट कैन अराइज इफ द वुमेन इज हैविंग मेलिग्नेंट ओवेरियन सिस्टिक ट्यूमर. देन नेक्स्ट कम्स डायग्नोसिस, ठीक है, सो ज़्यादातर जो ओवेरियन सिस्ट होती हैं, दे प्रेजेंट विद नो साइन एंड सिम्टम्स, ठीक है, सो दे फ्रीक्वेंटली गो अनडायग्नोस. कईयों में होती है सिस्ट प्रेजेंट पर सिम्टम्स नहीं आते, तो पेशेंट कभी जाता ही नहीं है डॉक्टर के पास, ठीक है, तो पता ही नहीं चलता इसका पर्टिकुलर कंडीशन का. सो दिस ऑल्सो मेक्स इट डिफिकल्ट टू एक्यूरेटली एस्टिमेट इंसीडेंस एंड प्रिवेलेंस ऑफ द कंडीशन. तो इस वजह से हम एग्जैक्ट इसका इंसिडेंस नहीं बता सकते कि कितनी पॉपुलेशन को या किस तरह की वुमेन में ये पाया जाता है, ठीक है, क्योंकि सिम्टम्स ही नहीं प्रेजेंट होते हैं सबके अंदर. देन समटाइम्स इवन विदाउट सिम्टम्स असिस्ट मे बी डायग्नोज ड्यूरिंग एन अनरिलेटेड पेल्विक एग्जामिनेशन और अल्ट्रासाउंड स्कैन. कई बार क्या होता है, पेशेंट एसिम्टोमेटिक होता है, बट किसी और वजह से वो पेल्विक एग्जामिनेशन के लिए गया होता है, तब या अल्ट्रासाउंड स्कैन करवाता है, तब पता चलता है इस पर्टिकुलर कंडीशन का. So in determining a diagnosis, doctor need to know the shape of the cyst, the size of the cyst and the composition of the cyst. ठीक है, तो diagnosis बनाने के लिए doctor को पहले cyst की shape पता करनी होती है, then size पता करना होता है, then with which type of fluid it is filled वो पता करना होता है, whether it is filled with solid or it is filled with fluid or it is filled with the liquid like liquid gel. ठीक है, तो वो पता करना इम्पॉर्टेंट है. और ज़्यादातर देखा गया है कि जो फ्लूइड फिल्ड सिस्ट होती हैं, दे आर नॉन कैंसरस. ठीक है, वो एक तरह से नॉन कैंसरस होती हैं, जिनके अंदर सिर्फ फ्लूइड फिल होता है. देन नेक्स्ट कम्स डायग्नोसिस में अल्ट्रासाउंड स्कैन. ठीक है, अल्ट्रासाउंड स्कैन हमें पता है, अल्ट्रासाउंड से इसका डायग्नोसिस जो वो बहुत ही ज़्यादा हमें क्लियरली पता चल जाएगा, वेदर द सिस्ट इज़ ऑफ बिनाइन नेचर और इट इज़ ऑफ मैलिग्नेंट नेचर, और सिस्ट जो है वो किस चीज़ से फिल्ड है, फ्लूड से फिल्ड है, लिक्विड से फिल्ड है या सॉलिड से फिल्ड है, तो अल्ट्रासाउंड से आप पता कर सकते हैं. सो अ वैंड लाइक स्कैनर, प्रोब और ट्रांसड्यूसर इज प्लेस्ड ऑन द एब्डोमेन ओवर वेयर द ओवरीज आर. समटाइम्स अ प्रोब मे बी प्लेस इनसाइड द वजाइना. ठीक है, ये किस केस में करेंगे हम, अगर हम ट्रांसवजाइनल वो कर रहे हैं. ठीक है, इन बोथ केसेस द डॉक्टर इज ऑब्जर्विंग द ओवरीज ऑन अ वीडियो स्क्रीन. दिस टेस्ट कैन हेल्प द डॉक्टर डिटरमिन वेदर देयर इज अ सिस्ट एंड वेदर इट इज सॉलिड और फिल्ड विद फ्लूइड और बोथ. ठीक है, तो जो रेडियोलॉजिस्ट अल्ट्रासोनोग्राफी करेंगे, इसके लिए दो टेक्निक्स है करने की, ट्रांसवजाइनली भी कर सकते हैं और पर एब्डोमिनली भी कर सकते हैं हम. ठीक है, देन आ जाता है आपका ब्लड टेस्ट. ठीक है, ब्लड टेस्ट करना इसमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, सो दैट वी कैन नो द ब्लड लेवल्स ऑफ CA125. CA125 क्या है, एक तरह का प्रोटीन होता है विच इज़ एलिवेटेड इन केस ऑफ प्रेजेंस ऑफ ट्यूमर. अगर ट्यूमर प्रेजेंट है तो उस केस में ये एलिवेटेड होता है, राइट. देन हाई CA125 लेवल्स कुड ऑल्सो मीन द पेशेंट हैज़ ओवेरियन कैंसर. अगर CA125 जो कि एक तरह का प्रोटीन होता है, अगर इसके लेवल इंक्रीज हो तो सिस्ट को भी इंडिकेट करता है, और अगर बहुत ज़्यादा ही इंक्रीज है तो ये ओवेरियन कैंसर को भी इंडिकेट करता है. सो दैट इज़ अ मच बिगर प्रॉब्लम अगर पेशेंट को ओवेरियन कैंसर होगा. देन इफ़ अ वूमेन डेवलप्स एन ओवेरियन सिस्ट दैट इज पार्शली सॉलिड, शी मे हैव ओवेरियन कैंसर. ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर वुमेन जो है ओवेरियन सिस्ट डेवलप करती है जो कि पार्शली सॉलिड और पार्शली फ्लूइड फिल है जिसके अंदर, जिसमें तो पूरा फ्लूइड फिल है वो तो नॉन कैंसरस है, लेकिन जिसमें आधा फ्लूइड और आधा सॉलिड प्रेजेंट है
तो उसके अंदर ओवेरियन कैंसर के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं. हाई सी ए 125 लेवल्स में ऑल्सो भी प्रेजेंट इन अदर कंडीशन इंक्लूडिंग एंडोमेट्रियोसिस, यूट्राइन फिब्रॉयड और PID. ठीक है, और सी ए 125 जो है वो उन इन केसेस में भी इंक्रीज होता है. कौन कौन सी? एंडोमेट्रियोसिस में, यूट्राइन फिब्रॉयड्स में और PID के अंदर. ठीक है, ये डिसीजन हम पढ़ चुके हैं पहले, है ना. देन नेक्स्ट कम्स प्रेगनेंसी टेस्ट. सो पॉजिटिव रिजल्ट में सजेस्ट द पेशेंट हैज़ अ कॉर्पस ल्यूटियम सिस्ट. प्रेगनेंसी टेस्ट करेंगे, ठीक है. प्रेगनेंसी टेस्ट में अगर पेशेंट का रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव आता है ना, तो दैट इंडिकेट्स कि कॉर्पस ल्यूटियम सिस्ट फॉर्म ही होगी. क्योंकि जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है ये क्या करता है, अगर ओवम जो है वो फर्टिलाइज हो जाता है और प्रेगनेंसी अक्कर होती है, ठीक है, तो कॉर्पस ल्यूटियम क्या करेगा, हेल्प करता है प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए बाय रिलीजिंग HCG इन द इनिशियल 3 months जब तक प्लेसेंटा नहीं बना होता, ठीक है. तो अगर प्रेगनेंसी का टेस्ट पॉजिटिव आ गया है तो और पेशेंट के अंदर ओवेरियन सिस्ट है, सो दैट इंडिकेट्स कि कौन सी सिस्ट हुई होगी, कॉर्पस ल्यूटियम सिस्ट, राइट. देन कम्स लेप्रोस्कोपी. लेप्रोस्कोपी में पता है हमें, ठीक है, कि हम एक स्मॉल इंसिजन लगाते हैं एब्डोमेन के अंदर, ठीक है, और वहाँ से हम लेप्रोस्कोप को इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, और वहाँ से फिर हम क्या करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे कैविटी को, ठीक है. सो दैट इज इन लेप्रोस्कोपी. सो दैट इज ऑल्सो यूज एज अ डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर आइडेंटिफाइंग और रूल आउट दिस पर्टिकुलर कंडीशन, दैट इज ओवेरियन सिस्ट. देन नेक्स्ट कम्स ट्रीटमेंट. ठीक है, ट्रीटमेंट जो है इन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है. नंबर वन इज पेशेंट एज. देन कम्स वेदर द पेशेंट इज प्री और पोस्ट मीनोपॉजल. ठीक है, मतलब मीनोपॉज आ गया है उसके अंदर या अभी नहीं आया है, मेंस्यूरेटिंग है वुमेन. देन अपियरेंस ऑफ द सिस्ट, सिस्ट कैसी दिखती है. देन साइज ऑफ द सिस्ट, साइज कैसा है उसका. देन वेदर और नॉट देयर आर एनी सिम्टम, ये सब चीज़ों पे डिपेंड करती है ट्रीटमेंट. देन वॉचफुल वेटिंग. वॉचफुल वेटिंग किसे बोलते हैं, ऑब्जर्वेशन को. तो वॉचफुल वेटिंग हम किस में करेंगे, स्पेशली इफ द वुमेन इज प्री मीनोपॉजल. ठीक है, मतलब अभी वो रिप्रोडक्टिव ईयर्स में है अपने, एंड स्मॉल फंक्शनल सिस्ट जो है वो प्रेजेंट है. साइज उसका 2 cm to 5 cm के बीच में है. उस केस में हम वॉचफुल एक्सपेक्टेंसी रखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे पेशेंट को. और अल्ट्रासाउंड स्कैन जो है वो हम 1 month के बाद फिर हम रिपीट करते हैं टू सी वेदर द सिस्ट इज स्टिल देयर और इट हैज़ गॉन बाय इट्स ओन. ठीक है, देन नेक्स्ट कम बर्थ कंट्रोल पिल्स. ठीक है, जो बर्थ कंट्रोल पिल्स होती हैं, ठीक है, दे रिड्यूस द रिस्क ऑफ न्यू सिस्ट डेवलपिंग इन द फ्यूचर मेंस्ट्रुअल साइकिल. ठीक है, जैसे आपको बताया मैंने कि जो फॉलिकुलर सिस्ट है, ठीक है, तो वो हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में बनती रहेगी जैसे, ठीक है. लेकिन जो अगर पेशेंट को हम बर्थ कंट्रोल पिल पर रख देते हैं तो नई सिस्ट फिर हर मेंस्ट्रुअल साइकिल के साथ बनने से रोकती हैं ये बर्थ कंट्रोल पिल, राइट. ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव ऑल्सो रिड्यूस द रिस्क ऑफ डेवलपिंग ओवेरियन कैंसर. हाँ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव एजेंट्स होती हैं ये ओवेरियन कैंसर का रिस्क जो होता है वो उसको मिनिमाइज करते हैं, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स. लेकिन वो ब्रेस्ट कैंसर के का रिस्क इंक्रीज करते हैं. ठीक है, ये भी याद रखना है. ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स होते हैं, दे हैव द टेंडेंसी टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ डेवलपिंग ओवेरियन कैंसर. लेकिन जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स होते हैं वो ब्रेस्ट कैंसर भी कॉज करने की कैपेबिलिटी रखते हैं. ठीक है, लेकिन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव से ओवेरियन कैंसर के चांसेस जो हैं वो कम हो जाते हैं. ठीक है, सो दिस यू नीड टू पे अटेंशन ऑन दिस पर्टिकुलर पॉइंट. देन नेक्स्ट कम सर्जरी. ठीक है, सर्जरी हमें किस केसेस में चाहिए, अगर सिम्टम्स बहुत ज़्यादा पेशेंट को आ रहे हैं, ठीक है, एंड द सिस्ट इज लार्ज इन द साइज. ठीक है, और जो कि फंक्शनल सिस्ट की तरह नहीं लगती है. ठीक है, मतलब कि वो लगता है आपको मैलिग्नेंट है, साइज में बहुत ज़्यादा या फिर बड़ी है और पेशेंट को प्रॉब्लम कर रही है ज़्यादा. ठीक है, तो उसमें हम लेप्रोस्कोपी करेंगे. सो लेप्रोस्कोपी के अंदर क्या करेंगे, 2 small cuts आर मेड इन द लोअर एब्डोमेन एंड 1 in the belly button. ठीक है, तो लोअर एब्डोमेन में एक होल करेंगे और बेली बटन में एक होल हम करते हैं. देन गैस इज ब्लोन इन टू द पेल्विस टू रेज द वॉल ऑफ द एब्डोमेन अवे फ्रॉम द इंटरनल ऑर्गन्स. ये तो आपको पता होगा कि लेप्रोस्कोपी में जब हम इंसीजन लगाते हैं, ठीक है, तो हम गैस ब्लो करते हैं उसके अंदर ताकि एब्डोमिनल कैविटी जो है वो रेज हो जाए. ठीक है, सो अ स्मॉल ट्यूब विद अ लाइट ऑन द एंड, अ लेप्रोस्कोप इज इंसर्टेड इनटू द एब्डोमेन. देन द सर्जन कैन सी द इंटरनल ऑर्गन्स विद वेरी स्मॉल टूल्स. द सर्जन इज एबल टू रिमूव द सिस्ट थ्रू द स्मॉल इंसीजन. तो उस स्मॉल इंसीजन के थ्रू, ठीक है, और जो कैमरा से वो हम विजुलाइज करेंगे सिस्ट को, तो सर्जन जो है स्मॉल टूल्स के साथ उसको वहाँ से रिप्लेस करने में सक्सेसफुल होते हैं. ठीक है, इन सम केसेस अ स्मॉल बायोप्सी ऑफ द सिस्ट इज टेकन टू डिटरमिन व्हाट इट
टाइप इज, ठीक है। बायोप्सी क्यों लेंगे? देखने के लिए कि जो सिस्ट है वेदर इट इज़ बेनाइन इन नेचर और इट इज़ मैलिग्नेंट इन नेचर, ठीक है। इन मोस्ट केसेज द पेशेंट कैन गो होम द सेम डे। लैप्रोस्कोपी सर्जरी छोटा सा प्रोसीजर होता है, कि भी छोटा सा इंसिजन देते हैं इसमें हम, तो पेशेंट सेम डे जो है वो डिस्चार्ज हो सकता है। दिस टाइम ऑफ टाइप ऑफ सर्जरी डज नॉट यूजली अफेक्ट अ वुमेन्स फर्टिलिटी एंड रिकवरी टाइम्स आर मच फास्टर। तो रिकवरी भी अच्छी होती है इसमें, प्लस जो वुमेन की फर्टिलिटी है उसको भी अफेक्ट नहीं करती है ये सर्जरी। देन नेक्स्ट कम्स लेप्रोटमी, ठीक है। सो दिस इज अ मोर सीरियस ऑपरेशन एंड मे बी रिकमेंडेड इफ़ द सिस्ट इज कैंसरस। लेप्रोटमी किस केस में करेंगे? अगर हमें बायोप्सी से पता चला कि सिस्ट जो है वो मैलिग्नेंट है, तो उस केस में हम क्या करते हैं? लेप्रोटमी। सो अ लॉन्गर कट इज मेड अक्रॉस द टॉप ऑफ द प्यूबिक हेयर लाइन, ठीक है। मतलब जो मॉन्स प्यूबिस होता है ना वहाँ पे, वहाँ उसके ऊपर एक लॉन्ग कट लगेगा, गिविंग द सर्जन बेटर एक्सेस टू द सिस्ट। तो सिस्ट इज रिमूव्ड एंड सेंट टू द लैब एंड द पेशेंट यूजली हैज़ टू रिमेन इन हॉस्पिटल फॉर एटलीस्ट अ कपल ऑफ डेज, क्योंकि जो कट है वो थोड़ा सा बड़ा होगा। लेप्रोटमी में हम एक्सप्लोर करते हैं पूरी की पूरी कैविटी को, उसको ओपन करके, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द लेप्रोटमी। देन इफ यू आर हैविंग एनी डाउट्स टिल नाउ अबाउट द वेरियंसेस, यू कैन आस्क मी वाया मैसेजेस और कॉल्स। थैंक यू सो मच।